एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन लाइक वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो एक आपने यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल को ट्रांसफर किया था किसी और रैंडम वेरिएबल में, वाई में। उसका पीडीएफ और सीडीएफ हमने निकाला था, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन के फॉर्म का कुछ सीडीएफ और पीडीएफ आया था। यूनिफॉर्म को हमने ट्रांसफॉर्म किया था तो उसका पीडीएफ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में कुछ आया था। फॉर सम रेंज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, एंड फॉर अदर रेंज इट इज जीरो, है ना, वो जीरो था। ठीक है, तो अब एक फिर से यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल को मैप करके दूसरा रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं और इसका आपको सीडीएफ और पीडीएफ निकालना है। पीडीएफ निकालना पूछा है तो ऑब्वियसली सीडीएफ निकालना ही पड़ेगा, विदाउट सीडीएफ निकाले आप पीडीएफ निकाल नहीं पाओगे ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल का। तो ये क्वेश्चन लिया गया बहुत पर्पसली। अब जो ट्रांसफॉर्म के बाद रैंडम वेरिएबल वाई मिलेगा वो एक स्पेशल रैंडम वेरिएबल मिलने वाला है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रैंडम वेरिएबल मिलने वाला वो एक स्पेशल रैंडम वेरिएबल मिलने वाला है और उसका एक स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ सारी चीजें डेविएट कर जाती हैं। अभी कुछ चीजें आपको सीखने वाले हैं और ये जो रैंडम वेरिएबल वाई आने वाला है उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन में भी आपके गेट एग्जाम में आ सकता है ना। तो उसके मीन और आपके वेरिएंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके मीन और वेरिएंस के बारे में कमेंट करिए। किसके, रैंडम वेरिएबल वाई, जो कि अभी ट्रांसफॉर्म होकर एक स्पेशल रैंडम वेरिएबल आने वाला है। जैसे गॉसियन रैंडम वेरिएबल एक स्पेशल रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म एक स्पेशल रैंडम वेरिएबल है, उसी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक बहुत ही सही रैंडम वेरिएबल आपको मिलने वाला है। तो क्या है, वी हैव अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल फाई। तो जो मिलने वाला है उसके बारे में डिस्कशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ट्रांसफॉर्म तो अब आप इतना सीख गए हो, नॉन लीनियर लीनियर सारा करते करते, कि बहुत सारी चीजें आप विजुलाइज कर सकते हो। वी हैव अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल फाई हुज पीडीएफ इज गिवन एज, एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है और उसका पीडीएफ फाई ऑफ एक्स है ना, इट इज पीडीएफ फॉर रैंडम वेरिएबल फाई and it is function of independent variable x, और ये minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में value, इसकी जो random variable phi है ये minus pi by 2 to pi by 2 के बीच में values ले रहा है with some probability density function, और probability density function है तो कुछ probability है, लेकिन outside pi by 2 and outside this minus pi by 2 probability density function की value zero है, मतलब पाई बाई टू से ज्यादा वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल फाई की क्या है, जीरो, क्योंकि पीडीएफ जीरो मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो, क्योंकि पीडीएफ ज्यादा मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी, पीडीएफ कम मतलब कम प्रोबेबिलिटी, पीडीएफ जीरो मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम वेरिएबल फाई के पाई बाई टू से ज्यादा वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, रैंडम वेरिएबल फाई के माइनस पाई बाई टू से कम वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी भी जीरो है। केवल प्रोबेबिलिटी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वैल्यूज अज्यूम करने की, और वो है यूनिफॉर्म, मतलब सारे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू सारे सैंपल्स इक्वली लाइकली हैं अज्यूम करने के फाई के, है ना, वो इक्वली लाइकली हैं, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। फाई इनमें से कोई भी सैंपल लेगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी, माइनस जीरो चाहे ले चाहे वन सैंपल ले चाहे माइनस वन, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, सारे सैंपल्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इक्वली लाइकली है। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, इतना हो गया। Find out the PDF of random variable y given by y is equal to tan of phi, and फिर find out the mean and variance of the random. तो हम पहले क्या निकालते हैं, CDF निकालते हैं, किसका, random variable y का, और उसी को differentiate करके हम PDF निकाल लेंगे, और it is function of independent variable small x, it is CDF of random variable y and it is function of independent variable small x and it is always equal to nothing but probability that y takes the values less than or equal to x, यही inequality, मतलब minus infinity से x तक के जितने sample हैं उन सभी की probability का मैं cumulative effect ले लूँ, summation कर दूँ तो मुझे fy की at x is equal to x value मिल जाएगी, है ना, एक single value के लिए cumulative effect ले रहे हो, इसीलिए इसको cumulative distribution function भी कहते हैं। अब देखो probability y less than or equal to x, अब यहाँ mapping को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, y क्या है, tan phi के बराबर है, ऑलवेज y इज इक्वल टू tan phi, y इज नथिंग बट tan phi, तो मैं इस इनइक्वालिटी को अगर ध्यान से देखूं तो इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट tan ऑफ phi लेस देन आर इक्वल टू x लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, क्योंकि y इज इक्वल टू tan phi है और यहां पे ये नहीं बताया कि phi की इन वैल्यूज के लिए y tan phi, जैसे
हाफ वेव रेक्टिफायर था, y इज इक्वल टू जीरो था फॉर x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो, एंड फॉर y इज इक्वल टू x था फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. जीरो को किसी में भी ले लो, x लेस देन आर इक्वल टू जीरो में या x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो में, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो y इज इक्वल टू x था, लेकिन एक रेंज के लिए था, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. जीरो था फॉर x लेस देन जीरो, लेकिन यहाँ y इज इक्वल टू टेन फाइव ऑलवेज है. तो y लेस देन आर इक्वल टू x को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू टेन फाइव है तो मैं टेन फाइव से रिप्लेस कर दूं, टेन फाइव लेस देन आर इक्वल टू x. अब यहाँ ध्यान से देखो, हमेशा आप ग्राफ बना लिया करो किसका, हमेशा जो आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन है एक रैंडम वेरिएबल से दूसरे रैंडम वेरिएबल में, उन दोनों के बीच में ग्राफ जरूर खींचा करो. उन दोनों के बीच में जैसे y इज इक्वल टू साइन x, तो रैंडम वेरिएबल y फंक्शन किसका है, रैंडम वेरिएबल x का, तो x आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, y आ जाएगा वर्टिकल एक्सिस पे. ग्राफ जरूर खींचा करो. यहां रैंडम वेरिएबल y इज फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल phi, तो phi को हमने ले लिया कहां पे, यहां पे, और y को हमने ले लिया यहां पे y इज इक्वल टू टेन phi. अब देखो माइनस पाई बाई, अब टेन फंक्शन का ग्राफ आपको पता होगा, जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे, ठीक है ना, ठीक है. ये मैं एक वर्टिकल ले लेता हूं, ये ग्राफ आपने खींचा होगा, है ना. टेन पाई बाई टू क्या होता है, इन्फिनिटी. ध्यान से देखो इस तरह का ग्राफ कुछ आता है, एंड टेन माइनस पाई बाई टू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, क्योंकि टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा. तो इस तरह का ग्राफ आता है कुछ, ठीक है, इस तरह का, ये एकदम ऐसा नहीं, ये इस तरह से, ठीक है ना, बना लेंगे इस तरह का ग्राफ आता है. मतलब जब फाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में वैल्यूज लेगा, फाई कहां से कहां वैल्यूज ले रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जो सैंपल वैल्यूज है उनको लेने के लिए उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, बाकी आउटसाइड पाई बाई टू एंड लेस देन माइनस पाई बाई टू जो सैंपल है उनके एज्यूम करने की फाई की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि पीडीएफ उसके करेस्पॉन्डिंग जीरो है, ठीक है ना. तो पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के आउटसाइड फाई वैल्यूज ले ही नहीं रहा, जो रैंडम वेरिएबल फाई है वो केवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में सैंपल वैल्यूज ले रहा है विद सम प्रोबेबिलिटी, एंड आउटसाइड दिस वो वैल्यूज नहीं अज्यूम कर रहा है. इसीलिए मैंने जो y इज इक्वल टू टेन फाई और फाई का ग्राफ खींचा, केवल किस रेंज के लिए खींचा, जिस रेंज में आपकी फाई वैल्यूज ले रहा है. फाई किस रेंज में वैल्यूज ले रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की रेंज में ही वैल्यूज ले रहा है. इस रेंज के लिए फाई रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है, इस रेंज में सैंपल वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी है फाई रैंडम वेरिएबल की. इसके आउटसाइड माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के आउटसाइड जो सैंपल्स हैं उनके लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है ना. उसको मैं इसीलिए नहीं खींच रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो इसके आउटसाइड सैंपल वैल्यूज है, इसके आउटसाइड जो फाई की वैल्यूज हैं उनके करेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है रैंडम वेरिएबल फाई का वो जीरो है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो भी जीरो आएगी. तो जब हम इस ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस रेंज के करेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन होगा जीरो होगा, तो उसको कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है. जैसा हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स में भी किए थे, वही चीज है. इसीलिए मैं फाई की, फाई जिस रेंज में वैल्यू दे रहा है विद सम प्रोबेबिलिटी, फाई की उसी रेंज के लिए वाई को मैं प्लॉट कर रहा हूं, बाकी रेंज के लिए नहीं, क्योंकि बाकी रेंज के लिए प्लॉट करने का कोई सेंस नहीं. बाकी रेंज के लिए भी देखो y इज इक्वल टू टेन फाई का ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, पाई बाई टू प्लस टू थ्री पाई बाई टू, फिर से यही चीज रिपीट करेगी, फिर से यही चीज रिपीट करेगी, यहां से ऐसे आके यहां आ जाएगी. इसी तरह से यहां माइनस पाई बाई टू से लेके माइनस थ्री पाई बाई टू के बीच में यही ग्राफ फिर से आएगा, ये बार बार यही रिपीट करेगा, जो माइनस पाई बाई टू टू पाई में यही चीज बार बार इधर भी रिपीट करेगी, इधर भी रिपीट करेगी, है ना. पाई पीरियड से पीरियोडिक होगा ये, है ना, तो ये चीज बार बार रिपीट करेगी, ठीक है. लेकिन हम उसको बार बार जो रिपीट करेगी उसको क्यों नहीं प्लॉट कर रहे हैं, रीजन समझ में आ रहा, क्योंकि फाई पाई बाई टू के आउटसाइड माइनस पाई बाई टू के इस साइड, जो फाई है रैंडम वेरिएबल, फाई पाई बाई टू के आउटसाइड वैल्यू लेने की और फाई की माइनस पाई बाई टू से कम वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि पीडीएफ जीरो है फाई की पाई बाई टू से ज्यादा वैल्यू लेने की और माइनस पाई बाई टू से कम वैल्यू लेने की. समझ में आ रही बात, ठीक है ना. तो ये चीज है, आपको ये समझ में आना चाहिए, पाई बाई टू से ज्यादा इसीलिए मैं नहीं खींच रहा हूं, क्योंकि वो रेंज हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखती, क्योंकि उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, जीरो. तो वो रेंज हमारे लिए मैटर नहीं रखते. अब हम देखते हैं ध्यान से, टेन फाई इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. अब देखो आपको ध्यान से अगर सोचो, वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स, मतलब
वाई माइनस इन्फिनिटी से यक्स तक जो सैंपल वैल्यूज ले रहा है उन सभी सैंपल्स की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब मुझे ये बताना है वाई का पीडीएफ तो मुझे पता नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, वाई आया कैसे, फाई को मैप करके। तो फाई की किस रेंज के लिए वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स है वो रेंज पता कर लूं, उस रेंज की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यही वाई है, एक्स कोई भी पॉइंट, वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देखो, आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, अगर ये मेरा मान लो फाई टेन इनवर्स एक्स है, ध्यान से देखना टेन इनवर्स एक्स, आप हमेशा जो इनइक्वलिटी में है ना, y is equal to x यहां कंसीडर कर लो, जब भी इनइक्वलिटी में कुछ दिक्कत होती है इनइक्वलिटी की रेंज फाइंड करनी, तो पहले y is equal to x ले लो। y है क्या, tan phi is equal to x, तो phi is equal to tan inverse x। तो ये क्या बता रहा है, जब phi tan inverse x होगा तो y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि y is equal to क्या है, tan phi है। जैसे phi को tan inverse x रखोगे, tan of tan inverse x क्या आ जाएगा, y। तो tan inverse x कोई एंगल है, मान लेते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, tan inverse x क्या है, कोई एंगल है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, और tan inverse x पे y, phi की phi is equal to tan inverse x पे y tan of phi, phi tan inverse x, अब तो y क्या वैल्यू लेगा, x वैल्यू लेगा कि नहीं, तो phi is equal to tan inverse x पे y क्या है, x के बराबर है। और आपको किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, y less than or equal to x की, उन सारे सैंपल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी जो x से कम है। तो अब phi की किस रेंज के लिए y less than or equal to x होगा वो रेंज पता कर लूं, तो वहां से ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, है ना। तो देखो, जब phi tan inverse x है तो y क्या है, x, x के बराबर। और ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, y less than or equal to x मतलब x से नीचे चाहिए, y y एक्सिस पे है, तो देखो x से नीचे मुझे चाहिए। तो अगर देखो phi को मैं tan inverse x से इधर रखूंगा, tan inverse x से कम and up to minus pi by 2, तो y मेरा x से हमेशा नीचे आएगा कि नहीं, देखो एंगल घटा, ये देखो ये घटता जाएगा, ये देखो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर phi tan inverse x से कम है एंड अप टू माइनस पाई बाई टू है, तो y लेस देन आर इक्वल टू x है कि नहीं, ध्यान से बताओ। एट phi is equal to tan inverse x, your y is equal to x, and for phi minus pi by 2 to tan inverse x, your y is less than or equal to x है कि नहीं, और less than or equal to x and up to minus infinity तक है। तो ये probability break हो गई for probability phi between minus tan inverse x, नहीं minus pi by 2 to, कहां से कहां, For phi values of minus pi by 2 to tan inverse x, y is less than or equal to x. And for phi greater than tan inverse x up to pi by 2, y is greater than x. देखो, अगर ये x value है, तो ये वाली value x से ज्यादा है, x से और ज्यादा, x से और ज्यादा। तो phi को अगर tan inverse x से बढ़ाते हैं, तो y की value x से ज्यादा होती जाती है। Phi की value अगर tan inverse x से घटाते हैं, तो x की value घटती जाती है। और अप टू माइनस पाई बाई टू, x से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू फाई की माइनस पाई बाई टू से टेन इनवर्स x के बीच वैल्यू लेने पे आपका y x से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज ले रहा है ना। तो फॉर दिस इनइक्वालिटी टू सेटिस्फाई, फॉर y टू बी टेकिंग वैल्यूज लेस देन आर इक्वल टू x, फाई शुड बी बिटवीन, फाई शुड बी बिटवीन, ये होना चाहिए कि नहीं, माइनस पाई बाई टू टू टेन इनवर्स x होना चाहिए कि नहीं, देख लो, phi should be between minus pi by 2 tan inverse x। तो y की इस रेंज में वैल्यू लेने के लिए जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, करस्पॉन्डिंग phi की रेंज क्या है, minus pi by 2 to tan inverse x, और इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये होगा क्या बताओ, phi is a uniform random variable और tan inverse x pi by 2 के साथ का कोई एंगल है, मतलब tan inverse x आप कहीं भी ले सकते हो, ऐसा नहीं, अगर आप देखो मैंने एक कोई tan inverse x ले लिया, tan inverse x एंगल यहां भी हो सकता था, मान लो अगर ये tan inverse x होता तो ये x वैल्यू कुछ निगेटिव होती, ऑब्वियस सी बात है, tan inverse x अगर ये एंगल होता लेट्स से, कुछ लोगों को अगर डाउट हो रहा होगा पॉजिटिव ही क्यों लिया, मान लो tan inverse आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एक एंगल ले लिया phi की वैल्यू tan inverse x, तो phi is equal to tan inverse x पे y is equal to क्या होगा, x होगा, obviously ये negative angle है, तो ये जो value आएगी y की क्या आएगी, negative आएगी, क्योंकि phi अगर tan inverse x
आप phi is equal to tan inverse x ले रहे हो, tan inverse x 0 से कम है तो ये negative angle है, और tan of negative angle क्या आता है, negative value देता है, और वो negative value क्या देगा, वो x दे देगा, tan of tan inverse x is x, तो ये value कहीं यहां आएगी। अब देखो अगर एंगल को tan inverse x से कम रखोगे इस साइड अप टू माइनस पाई बाई टू, तो देखो वैल्यू x से कम आएगी। आपको y की कौन सी वैल्यू चाहिए, y की किस रेंज के लिए phi चाहिए, फॉर y लेस देन आर इक्वल टू x, तो अगर phi tan inverse x से कम है और अप टू माइनस पाई बाई टू है, तो y हमेशा x से कम है और अप टू माइनस इंफिनिटी तक है। तो phi अगर माइनस पाई बाई टू टू tan inverse x वैल्यूज ले रहा है, तो आपका y x से लेके अप टू माइनस इंफिनिटी तक सैंपल वैल्यूज ले रहा है, तो आपको माइनस इंफिनिटी से x तक के सैंपल वैल्यूज की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो phi की इस रेंज के करेस्पॉन्डिंग y की ये रेंज आ रही है, तो इस रेंज की phi की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, तो वही इस रेंज की y की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात, तो कहीं पे भी लोगे ये चीज वही होगी, ठीक है ना। तो माइनस पाई बाई टू टू टेन इनवर्स x, तो अब इसको देख लो, तो टेन इनवर्स x जो भी होगा पॉइंट, वो क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का कोई पॉइंट है, ठीक है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का पॉइंट है, तो ये यहां टेन इनवर्स एक्स यहां हो सकता है, 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 ठीक है ना। तो अब देखो आपको फाई के इस रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, इस रेंज में पाई बाई टू से टेन इनवर्स एक्स की रेंज में आपको इंटीग्रेट कर देना है, किसके, फाई के पीडीएफ को। यही तो करना होता है, जब भी किसी रैंडम वेरिएबल के किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी बतानी हो, तो उस रेंज में उसके पीडीएफ का एरिया निकाल लो, या फाई एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो टेन इनवर्स एक्स यहीं कहीं बीच में है, और आपको इंटीग्रेशन कहां करना, माइनस पाई बाई टू टू टेन इनवर्स एक्स, तो इस रेंज में, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का पॉइंट है, तो माइनस पाई बाई टू से टेन इनवर्स एक्स कहीं यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, तो टेन इनवर्स एक्स जहां भी हो, माइनस पाई बाई टू टू टेन इनवर्स एक्स तक, या फाई एक्स की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, कितने के बराबर, वन पाई के बराबर, तो ये माइनस पाई बाई टू टू टेन इनवर्स एक्स वन अपान पाई डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करो, तो वन अपान पाई बाहर, वन का इंटीग्रेशन x है ना, वन वन डी एक्स क्या हो जाएगा, x, x की लिमिट रखो, tan इनवर्स x माइनस माइनस पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस पाई बाई टू। ध्यान से देखो, तो आपको एफ वाई एक्स क्या आ गया, एक ही बार में आ गया, यहां ज्यादा रेंज लेने की जरूरत ही नहीं है, क्या आपका आ गया ये वन अपान पाई पाई बाई टू प्लस tan इनवर्स x, ये आ गया। और आपको पता है किसी भी CDF, किसी भी रैंडम वेरिएबल का CDF फंक्शन हो, x tending to infinity पे इट शुड बी 1 होना चाहिए। देख लेते हैं x tending to infinity पे f y x क्या आता है, 1 आना चाहिए तभी ये सही है, ये चेक कर सकते हैं, पाई बाई टू प्लस x tending to infinity tan इनवर्स x, x tending to infinity tan इनवर्स infinity इज नथिंग बट पाई बाई टू, तो ये आ गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू अपन वन अपन पाई, वन आ गया कि नहीं, ये आना ही है बेटा, देखो ये आपने सही निकाला। तो CDF क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल y का, ऑब्वियस सी बात है यहां कैपिटल y, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ y x, और ये डिफरेंशिएशन कर दो 1 बाई पाई बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू 0, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो रैंडम वेरिएबल मैप होके आया उसका PDF है 1 अपान पाई 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने रेंज इसीलिए यहाँ कंसीडर करी थी, ये वाले सब हमने नहीं कंसीडर किए थे, है ना, ये वाले जो थे हमने ये सब नहीं कंसीडर किए थे, क्योंकि फिर यहाँ पे भी फाई की एक रेंज आती जिसके लिए वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स होता, एक तो आ गई माइनस पाई बाई टू टू टेन इनवर्स एक्स रेंज आ गई जिसके लिए वाई एक्स से लेस देन इन्फिनिटी है, अप एक्स एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी है, या वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स है। यहां से भी वही चीज आती ना, जो ये वाला पोर्शन है जो आप ड्रॉ करते पाई बाई टू से लेके कहाँ तक, थ्री पाई बाई टू तक, तो इस रेंज में भी आता आपका एंगल आता, जैसे एक एंगल आता क्या यहाँ पे tan pi plus tan pi plus थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है, तो जो tan इनवर्स x वाला पॉइंट है वो यहाँ pi plus tan इनवर्स x वाला पॉइंट बन जाता। तो phi is equal to pi plus tan इनवर्स x, phi is equal to pi plus tan इनवर्स x क्या हो जाता है, tan of
tan of pi plus tan inverse x, अगर यहां देखो ध्यान से, tan of pi plus tan inverse x, और आपको पता है tan pi plus theta तीसरे कोऑर्डिनेट में astc, तीसरे कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan pi plus theta is tan theta, तो tan pi plus theta tan inverse x है, तो tan of tan inverse x, और ये भी क्या आता है x, तो एंगल पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स पे भी फाई की वैल्यू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स पे भी वाई एक्स है, और फिर पाई बाई टू टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स के बीच में ये एक्स से कम होगा। देखो ध्यान से ना, अगर ये हमने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पे भी वाई क्या है, एक्स है, और फॉर एंगल बिटवीन पाई बाई टू टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, देखो एक्स से कम है कि नहीं, एक्स से कम है आपका वाई, तो ये भी फाई की एक रेंज होती जिसके लिए वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स होता, लेकिन इस रेंज की फाई के लिए पाई बाई टू से पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये आउटसाइड पाई बाई टू है, इस रेंज के लिए फाई की, इस रेंज के लिए पाई बाई टू टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, फाई का पीडीएफ क्या है, जीरो है। फॉर द फाई वैल्यूज, फाई की सैंपल वैल्यूज पाई बाई टू से लेके पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स के लिए फाई रैंडम वेरिएबल का जो पीडीएफ है वो जीरो है, केवल पीडीएफ नॉन जीरो है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू सैंपल्स के लिए, पाई बाई टू के आउटसाइड सैंपल के लिए पीडीएफ जीरो है। तो उस रेंज की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती है हमें, तो क्या करते हैं हम, पाई बाई टू से पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स के बीच में जो फाई रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है उसको इंटीग्रेट करते हैं, और वो जीरो होता तो जीरो आ जाता, इसीलिए बाकी जो कर्व है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के आउटसाइड y is equal to tan phi वाले कर्व फॉर phi ऑन द x एक्सिस, उसको प्लॉट करने की इसीलिए जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं केवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू जब phi है उसी के करस्पॉन्डिंग y is equal to tan phi प्लॉट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसी रेंज के करस्पॉन्डिंग कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बाकी जो रेंज के लिए ये ग्राफ होगा उस रेंज के लिए कोई प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। समझ में आई? अब जो तुम्हें पीडीएफ और सीडीएफ मिला है बेटा, ये जो पीडीएफ है ना, ये बहुत खतरनाक पीडीएफ है, ये पीडीएफ है जो y रैंडम वेरिएबल मुझे मिला, दिस पीडीएफ इज नथिंग बट द पीडीएफ ऑफ काचे रैंडम वेरिएबल, इसको लिख लो जे, y रैंडम वेरिएबल मिला जिसका सीडीएफ है क्या, इसका सीडीएफ है बेटा 1/π पाई बाई टू, ये लेने का एक पर्पज है, इसके बारे में अभी जब डिस्कशन करूंगा तो आपको बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूं। अब लेक्चर का मेन पोर्शन शुरू होगा, है ना, इस लेक्चर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, 1/1 + x², ये कैसा पीडीएफ है, x का इवन फंक्शन है कि नहीं, ध्यान से बताओ, f y x, x का कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है ये, ठीक है ना, ये इवन फंक्शन है बेटा, ठीक है ना, ग्राफ जैसे भी बनाओगे, ग्राफ देख लेना कैसा बनेगा, है ना, नॉन लीनियर तो बनेगा बट x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ग्राफ आप देख लेना कैसा प्लॉट होगा, ये एफ वाई एक्स से अगेंस्ट अगर एक्स प्लॉट करें तो, ठीक है ना, और पीडीएफ की वैल्यू एट एक्स इजिकल टू जीरो कितनी है, 1/π है, एक्स इजिकल टू जीरो पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं, जैसे आप एक्स बढ़ाओगे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, फॉर एक्स निगेटिव एज वेल एज एक्स पॉजिटिव, तो जैसे एक्स बढ़ाओगे एक्स स्क्वायर बढ़ेगा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो ये PDF और CDF किसके हैं? काचे रैंडम वेरिएबल के, और ये जो PDF है, ये PDF क्या है? Even function of x आपको दिख रहा है, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो 1/1 - x² फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो f ऑफ माइनस x इज सेम एज f ऑफ x, तो ये इवन फंक्शन ऑफ x है। और एक चीज बताओ, एट x इज इक्वल टू जीरो पे इस पीडीएफ की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है, इस पीडीएफ की वैल्यू मैक्सिमम है, एट x इज इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू क्या है? 1/π। फिर बाकी सारे x को जीरो से आगे बढ़ाओगे या जीरो से नीचे ले जाओगे, देखो इसकी वैल्यू घटेगी, कैसे? x को जैसे आपने बढ़ाया, x की वैल्यू जीरो से आगे बढ़ाई, जीरो से 0.1, जीरो से आगे 0.2, 0.3 इस साइड, तो 0.2 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, तो x बढ़ाओगे तो x का स्क्वायर क्या होगा? बढ़ेगा,
राइट साइड की अभी हम बात कर रहे हैं, जीरो से हम आगे बढ़ा रहे हैं एक्स को, तो एक्स बढ़ाओगे तो एक्स स्क्वायर बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर बढ़ेगा तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मतलब राइट साइड में जब जीरो से आगे बढ़ेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर घटेगा और ये वैल्यू पीडीएफ की क्या होगी, घटेगी, इस साइड भी घटेगी। अब लेफ्ट साइड में आते हैं, जीरो से जब आप घटाओगे, जीरो से घटा के माइनस पॉइंट वन का स्क्वायर कुछ आएगा यहाँ पे, वो तो पॉजिटिव आएगा, और घटाओगे -0.2 तो -0.2 का स्क्वायर -0.1 के स्क्वायर से ज्यादा होगा, -0.1 का स्क्वायर 0.01, -0.2 का स्क्वायर प्लस 0.04 होगा। तो जैसे हम इस तरफ जीरो से और घटते जा रहे हैं, निगेटिव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, एक्स स्क्वायर बढ़ता जा रहा है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर घटता जा रहा है और पीडीएफ की वैल्यू घट रही है। तो हम जीरो से इस साइड आ रहे हैं तो भी वैल्यूज घट रही हैं, जीरो से इस साइड जा रहे हैं तो भी वैल्यूज क्या हो रही हैं, घट रही हैं। तो वैल्यू मैक्सिमम कब है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पीडीएफ की, ये बात समझ में आ रही है। ये कांचे इंटीग्रल है, ठीक है ना, कांचे रैंडम वेरिएबल है, इंटीग्रल नहीं, कांचे इंटीग्रल आप पढ़ते हो तो वही दिमाग में आ गया मेरे, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, काचे रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ और सीडीएफ है, ये स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल है। अब देखो यहां पे मैंने क्या कहा, दूसरा पार्ट, फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल वाई एंड कमेंट ऑन इट। सबसे पहले आपने सीडीएफ और पीडीएफ निकाल के रख दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने। अब हम पढ़ते हैं इसका मीन, अगर मुझे बताना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या, इस रैंडम वेरिएबल वाई की, तो कैसे निकालोगे, यक्स एफ वाई एक्स डी एक्स यहीं से आएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब देखो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स, एफ वाई एक्स क्या है, अभी मैंने एक चीज और आपको लिखवाई थी, अगर इवन फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ का, किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ इवन फंक्शन है तो उसका मीन हमेशा जीरो आएगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एफ वाई एक्स क्या है, 1/π 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, x हमेशा ऑड फंक्शन होता है, ऑड इनटू इवन ऑड, और ऑड फंक्शन का एरिया अंडर करो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये जीरो हो गया, ठीक है। अब इसका वेरिएंस निकालते हैं फिर इस पे कमेंट करेंगे। तो अब देखो अगर किसी चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई, मीन वैल्यू जीरो हो गई, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर ही वेरिएंस हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस ऑफ वाई नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ वाई एक्स डी एक्स होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स स्क्वायर 1/π 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 1/π माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, इसको मैं ये लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो 1/π ये इंटीग्रेशन बैक हो जाएगा, क्या 1 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स हो गया कि नहीं, ये पूरा। तो इसको दो भाग में अगर इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो, अभी यहीं से पता चलेगा 1/π ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 dx माइनस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये आ गया 1/π। 1 का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, 1 को इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ रहे हो तो इनफाइनाइट ही आना, किसी फाइनाइट नंबर को इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ोगे इनफाइनाइट आएगा। वैसे भी 1 dx का क्या आ गया, x आ जाएगा, x आ जाएगा भैया, इंटीग्रेशन रखोगे अपर लिमिट रखोगे इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट रखोगे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा। तो ये तो इन्फिनिटी बता रहा है, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें वैल्यू रख दो, तो ये 1/π इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई आ गया। लेकिन ये ओवरऑल क्या आया, इनफाइनाइट आया कि नहीं, ओवरऑल इनफाइनाइट आया। मतलब आप कह रहे हो इस रैंडम वेरिएबल का वेरियंस इन्फिनिटी है और मीन जीरो है।
चलो मीन जीरो है, समझ में आता क्योंकि मीन के अबाउट या सिमेट्रिक आपको दिख रहा है ना, मीन के अबाउट सिमेट्रिक ये भी है, जरूरी नहीं कि हर रैंडम वेरिएबल मीन के अबाउट सिमेट्रिक हो, मीन के अबाउट सिमेट्रिक हो, है ना, जरूरी नहीं कि हर रैंडम वेरिएबल मीन के अबाउट सिमेट्रिक हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन यहां देखो ध्यान से, मैंने बताया था मीन वहां पे होता है जिन सैंपल वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मीन उस तरफ ज्यादा झुका होता है, जिन सैंपल वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी कम होती है उनकी तरफ कम झुका होता है। तो यहां जो पीडीएफ है अगर देखो, पीडीएफ इज अ इवन फंक्शन, तो इससे है क्या, जीरो के राइट साइड में वैल्यूज लेने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी जीरो के लेफ्ट साइड में, तो जो लेफ्ट साइड वालों का वेटेज है वही वेटेज है जीरो के राइट साइड वालों का, तो मीन बीच में रह गया, क्योंकि जो राइट साइड वाले, अगर राइट साइड वालों का वेटेज ज्यादा होता तो मीन इस तरफ खिसक जाता, लेफ्ट साइड वालों का ज्यादा रहता तो इस तरफ खिसक जाता, लेकिन दोनों का इक्वल है तो बीच में जीरो रह गया। अब लेकिन एक चीज बताओ, वेरियंस आ गया इन्फिनिटी, इससे कुछ दिमाग में जा रहा है, ये जो अब डिस्कशन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी मैं कुछ चीजें बताने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया था। अब ध्यान से देखो, जो इसका वेरियंस आया इन्फिनिटी, वेरियंस क्या बताता है, मीन वैल्यू के अबाउट बाकी वैल्यूज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी दूर दूर होंगी सैंपल वैल्यूज मीन वैल्यू से उतना ज्यादा वेरियंस ज्यादा होगा, जितनी पास पास होंगी उतना ही वैल्यू क्या होगी कम होगी, उतनी ही वैल्यू क्या होगी वेरियंस की कम होगी, जितनी पास पास वैल्यूज होंगी, जितनी पास पास वैल्यूज होंगी उतनी ही वैल्यूज क्या होंगी कम होंगी। अब अगर ध्यान से इस चीज को देखो, अगर एक काम मैं कर दूं, आप अगर ध्यान से देखो, -1 से 1 के बीच प्रोबेबिलिटी अगर निकाल दूं, एक बताओ प्रोबेबिलिटी दैट y टेक्स द वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो इसके लिए आप क्या करोगे, -1 से 1 के बीच में f y x की एरिया निकाल लोगे, इसके पीडीएफ की निकाल देते हैं, इसका एरिया -1 to 1 x -1 to 1 1/1 + x² 1/π बाहर dx और 1/π 1/1 + x² क्या निकालो एरिया, 1 + 1/1 + x² का आप वो निकालो, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x -1 to 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, tan इनवर्स -1 इज -π/4, तो π/4 -π/4 π/4 π/2 एंड ये 1/π × π/2 1/2, मतलब क्या आ गया 1/2, मतलब इसको क्या कह सकता हूं 50% कह सकता हूं, 50% इज नथिंग बट 50/100 1/2, मतलब ये जो काचे रैंडम वेरिएबल है इसमें -1 से 1 के बीच में 50% ऑफ द टोटल सैंपल्स होंगे, क्योंकि -1 से 1 के बीच में सैंपल वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी टोटल क्या है 50%, मतलब 50% आउट ऑफ द टोटल सैंपल विल लाई बिटवीन ओनली -1 to 1, है ना। इसी तरह से आप जाओगे -2 -3 पे, तो आपको 50-60-70% सैंपल -2 -3 वैल्यूज के बीच में ही मिल जाएंगे अगर ध्यान से देखोगे इस पीडीएफ में। अब आते हैं वेरियंस पे, ये चीज क्यों बताई अभी समझ में आएगा, अब आते हैं वेरियंस पे, इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी वेरियंस क्या, वेरियंस अगर हाई करते जाओ तो आपका, मैंने जैसे गॉसियन रैंडम वेरिएबल हम लेते थे तो ऐसा होता था वेरियंस हाई करते जाओ तो ये फ्लैट होता जाता था और नीचे आता जाता था, और किया हाई तो नीचे और आ गया, और किया तो नीचे आ गया, जितना करते जाओगे एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा। तो ये वेरियंस इन्फिनिटी का क्या मतलब, वेरियंस इन्फिनिटी का मतलब कोई भी कर्वेचर नहीं होगा बेटा, जितनी वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हैं वो आपके आपके जो मीन वैल्यू से बहुत दूर होंगी, जो आपके सैंपल वैल्यूज होंगी, बहुत सारे सैंपल, ज्यादातर सैंपल आपके मीन वैल्यू से क्या होंगे दूर दूर होंगी, तभी वेरियंस हाई होता जाता है, मोस्ट ऑफ द सैंपल्स दूर होंगी, लेकिन अभी आपने निकाला -1 से 1 के बीच में ही 50% सैंपल आ जा रहे हैं, ये दूर है क्या, ये तो बहुत पास है, मीन अगर आप कह रहे हो जीरो है, अगर मीन आप कह रहे हो जीरो है तो -1 से 1 के बीच में रेंज में मीन से -1 इधर -1 इधर के बीच में ही 50% सैंपल आ जा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हो वेरियंस इसका बेटा इन्फिनिटी है, वेरियंस इन्फिनिटी है मतलब ज्यादातर सैंपल दूर होने चाहिए मीन से, तब वेरियंस इन्फिनिटी सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि ये
कर्व फ्लैट होता जाता है, फ्लैट होता जाता है, फ्लैट होता जाता है, तो बहुत दूर दूर तक सैंपल होंगे मीन के अबाउट, जबकि यहाँ 1, 2, 3 वैल्यूज में ही मैक्सिमम सैंपल्स आ जाएंगे, उसी रेंज में सैंपल्स आ जाएंगे, 60-80% मीन के बहुत पास में ही होंगे, 50% -1 से 1 के बीच में आ गए, -2 से 2, -3 से 3 के बीच में जाओगे तो 60-70-80% सैंपल वहीं आ जाएंगे, जबकि वेरियंस इन्फिनिटी कह रहा है मोस्ट ऑफ द सैंपल्स दूर होने चाहिए, मोस्ट ऑफ द सैंपल्स थोड़े दूर होने चाहिए, ठीक है ना, जितना वेरियंस ज्यादा मतलब कर्व थोड़ा सा फैला हुआ हो और दूर दूर आपके सैंपल वैल्यूज हो, मीन से थोड़ा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन से जितने पास डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वेरियंस उतना कम होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से इस चीज को देखो, क्या है आपका वेरियंस इंफिनिटी जो निकाले हो ये इस कर्व को थोड़ा सिग्निफाई नहीं कर पा रहा है, अगर ध्यान से सोचो तो ये इंफिनिटी वैल्यू थोड़ी जो पीडीएफ कर्व है उसको कोरिलेट नहीं कर पा रही है ना, मतलब वैसा दिख नहीं रहा है कि है जो मीन और वेरियंस की डिफिनेशन बताते हो। अब देखो यही आता है, जो मीन और वेरियंस का फॉर्मूला है कॉचे रैंडम वेरिएबल के लिए फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, लिखो काचे रैंडम वेरिएबल और जो आपका काचे रैंडम वेरिएबल है उसके लिए ये मीन और वेरिएंस का फार्मूला फेल हो जाता है, इसीलिए मीन और वेरिएंस डिफाइन ही नहीं होते हैं काचे रैंडम वेरिएबल के लिए, और जो आपने ये जीरो और इन्फिनिटी निकाला है ये फार्मूले जो यूज किए हैं ये फार्मूले इस रैंडम वेरिएबल के लिए इलिजिबल ही नहीं है, इसीलिए ये जो कैलकुलेशन है ये रैंडम वेरिएबल का मीन नहीं बता रहा ना ये वेरिएंस बता रहा है, एक्चुअल में काचे रैंडम वेरिएबल का मीन डिफाइंड ही नहीं होता है ना, काचे रैंडम वेरिएबल का। एक आती है थियरम सेंट्रल लिमिट थियरम, वो क्या कहती है, सेंट्रल लिमिट थियरम वो क्या कहती है, ये पूरी मैथ्स है बेटा, ये थियरम का मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ, इस मैथमेटिक्स को प्रूफ करना इट्स नॉट दैट इजी और ना मैं कर रहा हूं, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है, आईआईडी, इस चीज को मैं बताता हूं, आईआईडी क्या है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जिनका एक जैसा हो, है ना, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आईआईडी इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं तो हम उनको समेशन करें एक लार्ज नंबर में तो उनका पीडीएफ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये कहती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और जिन रैंडम वेरिएबल में ऐसा होता है फॉर दोज रैंडम वेरिएबल ओनली दीज फार्मूलाज आर एप्लीकेबल एंड दिस थिंग डज नॉट हैपन इन केस ऑफ काचे रैंडम वेरिएबल। क्या बात सुनी ध्यान से, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है, मतलब दोनों सेम जैसे हैं, जैसे अगर मैं कहूं पहला रैंडम वेरिएबल एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जीरो मीन और वन वेरिएंस का, तो दूसरा रैंडम वेरिएबल भी जीरो मीन और वन वेरिएंस का ही होगा क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम तभी आएगा, दोनों का पीडीएफ और सीडीएफ सेम तभी आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेम का यही मतलब है, सीडीएफ सेम मतलब पीडीएफ सेम। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो केवल ये बता रहे कि दोनों का पीडीएफ सीडीएफ सेम है, सेम तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दोनों का सेम एक जैसा है, दोनों का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इंडिपेंडेंट बता रहा है कि दोनों रैंडम वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, या तीन है ऐसे तो तीनों इंडिपेंडेंट है, चार है तो चारों इंडिपेंडेंट है, पांच है तो पांचों इंडिपेंडेंट है। तो क्या होता है अगर एक जैसे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल बहुत सारे ऐड किए जाएं, एक जैसे बहुत सारे रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ऐड किए जाएं तो उनका जो समेशन से नया रैंडम वेरिएबल बनेगा, अगर जैसे एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और बहुत सारे एक्स की कॉपी बना दो, मतलब सेम डिस्ट्रीब्यूशन रख दो, इसको एक्स वन कह दो, इसको एक्स टू, इसको एक्स थ्री, इसको एक्स फोर, इसको एक्स फाइव, अप टू लाखों ऐसे रैंडम वेरिएबल ले लो जिनके सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स की ही बार बार कॉपी किए हो और इनका एडिशन करें, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन, उससे जो नया रैंडम वेरिएबल जेड बन रहा है उसका जो पीडीएफ होगा, चाहे इस रैंडम वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के पीडीएफ कैसे भी हो, सबके एक जैसे होंगे कैसे भी हो, किसी
सबका गॉसियन हो या सबका यूनिफॉर्म हो या सबका साइन फंक्शन हो या सबका कॉस फंक्शन हो या सबका टैन फंक्शन हो, कैसा भी हो सबका सेम होगा। अगर इन सबको हम समेशन करके एक नया रैंडम वेरिएबल जेड बनाएंगे तो उसका इस समेशन से जो नया रैंडम वेरिएबल निकलेगा उसका पीडीएफ गॉसियन होना चाहिए। गॉसियन होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग, और अगर गॉसियन है तब आपको ये सारे फार्मूलेस वेल डिफाइंड और वैलिड हैं, और मैक्सिमम रैंडम वेरिएबल ये सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए गॉसियन रैंडम वेरिएबल आप बार बार पढ़ते हो। गॉसियन रैंडम वेरिएबल पढ़ने का इसीलिए रीजन है क्योंकि बहुत सारे आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल को सम करोगे तो बहुत सारे, तो वो क्या आएगा जैसे एग्जाम्पल, और आगे मैं पढ़ाऊंगा जब मल्टीपल रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा एक दो क्लास बाद, तो अभी बस बता देता हूं। अगर दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं और उन दोनों के समेशन से एक तीसरा रैंडम वेरिएबल मिला तो इस तीसरे रैंडम वेरिएबल का जो जेड रैंडम वेरिएबल जो उसकी समेशन है एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल का, एक्स वाई बस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है इससे डजंट मैटर। अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं और एक्स प्लस वाई के समेशन से जेड मिला तो जेड का पीडीएफ कुछ नहीं होगा, एक्स का पीडीएफ कन्वोल्यूशन विद वाई का पीडीएफ, दोनों के पीडीएफ को कन्वोल्यूशन कर दो जेड आ जाएगा। अब देखो यहां सारे जो रैंडम वेरिएबल समेशन में है सारे इंडिपेंडेंट है पहली चीज, और सबका पीडीएफ एक जैसा है, सब गॉसियन है तो सारे गॉसियन है, सब कास्ट फंक्शन है तो सारे कास्ट फंक्शन, सब यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म, इनका कन्वोल्यूशन करोगे तो इसके कन्वोल्यूशन से इसका पीडीएफ आएगा और वो पीडीएफ मस्ट बी गॉसियन होना चाहिए टू सेटिस्फाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो क्या है, जैसे मान लो मैं दोनों को ले लेता हूं क्या यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, लेट्स से -1, 1/2, इन दोनों का कन्वोल्यूशन कर दो, दो रेक्ट फंक्शन का कन्वोल्यूशन मैंने बताया था क्या आता है ट्रायंगुलर फंक्शन आता है कि नहीं, ये -2 से 2 के बीच में क्या आएगा ट्रायंगल फंक्शन आएगा, ऐसा कुछ आएगा। देखो गॉसियन जैसा जा रहा है कि नहीं, गॉसियन का ऐसे ही तो होता है। इसी तरह से मान लो चार लेते तुम तो 2 का ट्रायंगल फिर 2 का ट्रायंगल, उन दोनों ट्रायंगल का कन्वोल्यूशन करते तो थोड़ा ट्रायंगल का कन्वोल्यूशन करते तो थोड़ा सा अब ये नॉन लीनियर फंक्शन बनने लगता, मतलब एग्जैक्टली गॉसियन नहीं आ पाता, नॉन लीनियर बनने लगता, फिर 2 और ऐड करते फिर बनने लगता, तो ऐसे ऐड करते जाओ, देखो ट्रायंगल आ गया गॉसियन शेप, जब एक्स बढ़ाते जाओगे 2 का किया तो इतना आया, 3 का फिर करोगे तो ये शेप और थोड़ा चेंज होगा, 4 का करोगे और, 5 का करोगे और, ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली जब एक्स को बहुत सारे रैंडम वेरिएबल लाखों ले लोगे आप, यन बहुत हाई ले लोगे ऐसे रैंडम वेरिएबल का, बहुत ज्यादा नंबर में ले लोगे तो ओवरऑल पीडीएफ गॉसियन बनने लगेगा। तो ये जो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है एक तरह से क्या सेटिस्फाई कर रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और इसके लिए ये सारे फार्मूलाज वैलिड हैं। तो लिखो, और ये काचे के केस में जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आइडेंटिकली मतलब हैविंग सेम पीडीएफ एंड सीडीएफ, तो बहुत सारे काचे रैंडम वेरिएबल ले लो जिनके पीडीएफ सेम हो और सारे को क्या ले रहे हो इंडिपेंडेंट सारे हैं, तो जब उनका कन्वोल्यूशन करके यन बहुत हाई नंबर में लेके कन्वोल्यूशन करके रिजल्टेंट पीडीएफ निकालोगे वो गॉसियन जैसा नहीं आता, इसीलिए काचे रैंडम वेरिएबल के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम फेल होती है, और फेल होती है तो यहां पे ये फार्मूले वैलिड नहीं होते। तो लिखो सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज दैट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज दैट If we add a large number of independent and identically distributed random variables, independent and identically distributed random variables, then the pdf of resultant random variable will be gaussian, or we can say that the resultant random variable will be gaussian random variable, jiska pdf gaussian aa jaye wo to gaussian random variable hai, then the resultant random variable will be gaussian if for any random variable if we apply the above process and we don't get
the Gaussian random resultant Gaussian random variable, and we don't get resultant Gaussian random variable, resultant Gaussian random variable, then it is said that the central limit theorem does not satisfy, for the given random variable. And it is the case with the Cauchy random variable. And that's why the formulas of mean and variance are not applicable for the Cauchy random variable. And thus the mean and variance of the Cauchy random variable is undefined. Therefore, तो जो central limit theorem जो satisfy करते हैं random variables, maximum random variables satisfy करते हैं, जो random variable है उसी की replica बना दो बहुत सारी, same PDF लेके और सबको add कर दो, और वहां से जो resultant random variable should be Gaussian होना चाहिए for central limit theorem to satisfy. Maximum random variable में satisfy होता है, इसमें नहीं satisfy होता है, तो इसलिए इसका मीन और वेरियंस डिफाइन नहीं है अकॉर्डिंग टू द यूजिंग फार्मूला विच यू हैव यूज्ड, है ना. तो इसका इसलिए मीन और वेरियंस आप डिफाइन ही नहीं कर पाते, क्योंकि मीन और वेरियंस के लिए आपके पास यही फार्मूला है, और ये फार्मूला जब यहां अप्लीकेबल नहीं है तो आप मीन और वेरियंस डिफाइन ही नहीं कर पाओगे. इसके लिए अलग से नहीं कि मीन और वेरियंस का अलग फार्मूला बनेगा काचे के लिए, ऐसा और कोई फार्मूला नहीं है. फार्मूला यही है, जब ये अप्लीकेबल नहीं है तो यहां मीन और वेरियंस हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं. समझ में आई बात. सो मीन एंड वेरियंस ऑफ द Cauchy रैंडम वेरिएबल डज नॉट डिफाइन फॉर द रीजन स्टेटेड अबव, जो मैंने बताया. ठीक है ना, समझ में आ गई बात. तो ये होना चाहिए, मैंने स्टेटमेंट लिखवा दिया, कुछ मिस है तो मैंने एक्सप्लेन किया, आप लिख लेना. अब देखो, तो ये मीन अगर कोई Cauchy रैंडम वेरिएबल का पूछे अनडिफाइंड, और जैसे मीन अनडिफाइंड हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, ये सब फार्मूले ही अप्लीकेबल नहीं है. अगर मीन अनडिफाइंड है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई वेरियंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर. जब मीन अनडिफाइंड है, आप कहते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर में मान लेता हूं इन्फिनिटी है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर, वो तो अनडिफाइंड है ना बेटा, वो तो अनडिफाइंड है, तो वेरियंस क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया. एक चीज एक्सप्रेशन में अनडिफाइंड आ गई तो ओवरऑल चीज तो अनडिफाइंड हो गई. अब देखो यहां पे जो जीरो आया, जीरो इज द मोड ऑफ द रैंडम Cauchy रैंडम वेरिएबल. मोड क्या होता है, अब ये मैं बता देता हूं. Cauchy रैंडम वेरिएबल ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इसीलिए मोड और मीडियन दो चीजें वर्ड यूज करते हैं. देखो बता देता हूं, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है रैंडम वेरिएबल के केस में. मैथ्स में ये चीजें वैसे पूछी जाती हैं, मैं यहां बता देता हूं क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिख लो. जीरो जो यहां आपने निकाला है वो मीन वैल्यू नहीं है Cauchy रैंडम वेरिएबल की, वो मोड ऑफ द Cauchy रैंडम वेरिएबल है. अब देखो मोड क्या होता है, किसी रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में नॉर्मली ये डिफाइन करते हैं. मोड किसी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का वो पॉइंट होता है जहां पे उस रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है. तो देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू Cauchy रैंडम वेरिएबल में मैक्सिमम कब है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मोड ऑफ द रैंडम वेरिएबल. या आप कह सकते हो जिस सैंपल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होने का क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम होना, मतलब जिस सैंपल वैल्यू को लेने के लिए करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जिस सैंपल वैल्यू को आप नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सिंगल वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन, मतलब सिंगल सैंपल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मली टेंडिंग टू जीरो होती है ना. सिंगल सैंपल वैल्यू लेने की कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टेंडिंग टू जीरो. लेकिन उस सिंगल वैल्यू के विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होती है, थोड़ी बहुत, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है ना. और उस सिंगल पॉइंट की वैल्यू एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू जीरो, वो भी होती है लेकिन बहुत स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो ही होती है. क्या होती है, टेंडिंग टू जीरो. और अगर स्मॉल विसिनिटी ले लोगे तो टेंडिंग टू जीरो ही वो भी होगा, बहुत स्मॉल लेकिन कुछ वैल्यू होगा, इस तरह से हम कहते हैं ना, वो बहुत स्मॉल लेकिन कुछ वैल्यू होगा, बहुत बहुत स्मॉल वो भी होगा, ठीक है ना. तो
आप कह रहे हो पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है वो पॉइंट मोड होता है, और जिस पॉइंट पे पीडीएफ मैक्सिमम मतलब उस सैंपल वैल्यूज के आसपास वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, क्योंकि पीडीएफ मैक्सिमम तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, पीडीएफ कम क्योंकि पीडीएफ सेटिस्फाई करता है, सिग्निफाई करता है कि प्रोबेबिलिटी कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम। जहां पीडीएफ की वैल्यू ज्यादा उस सैंपल के आसपास वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, जहां पे पीडीएफ कम, जहां पे पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू कम उस रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कम, क्योंकि वहां पे एरिया जब अंडर कर्व निकालोगे तो कम आएगा, जहां पे पीडीएफ की वैल्यू ज्यादा वहां एरिया अंडर कर्व ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो आप एक तरह से कह सकते हो मोड वो पॉइंट होता है जिसपे पीडीएफ, एक सिंगल पॉइंट होता है जिसपे पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, या आप कह सकते हो जिस सैंपल के आसपास वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वही पॉइंट मोड होता है, वही सैंपल वैल्यू मोड होती है। दोनों चीजें कह सकते हैं, पीडीएफ मैक्सिमम मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और नॉर्मली कंटीन्यूअस रन नंबरेबल के हम केस में हम सैंपल नहीं कहते हैं, सैंपल की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ये वर्ड ज्यादा सुटेबल होता है। तो लिखो मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। मोड इट इज द पॉइंट वेयर, इट इज द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, इट इज द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। इट इज द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वेयर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज मैक्सिमम। देखो कौशे रैंडम वेरिएबल में आपका जीरो पॉइंट पे पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, इसीलिए जीरो इसका मीन नहीं मोड है ना। तो ये अलग अलग रैंडम वेरिएबल में सबके लिए डिफाइन होता है, जहां पे पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वो मोड हो गया। मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है लिख लो, मीडियन भी बता देते हैं फिर इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, सारी चीजें सीख गए। तो कौशे रैंडम वेरिएबल आए तो आप कह देना मीन अनडिफाइंड होता है, अब मीन अनडिफाइंड है तो वेरियंस भी अनडिफाइंड ही हुआ, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन को लिखो इट इज द पॉइंट वेयर, इट इज द पॉइंट, ये पीडीएफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में दोनों डिफाइंड है, इट इज द जहां जिस पॉइंट पे पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वो पॉइंट मोड, जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1/2 हो गई वो कहते हैं मीडियन। द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, the value of probability density function is 1/2 या 0.5, the value of probability density function is 0.5 or 1/2 is called as median of the random variable, median of the random variable। तो अब बताओ कौशे रैंडम वेरिएबल में मीडियन कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है। देखो जो इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू है वो x is equal to 0 पे है, and that is equal to 1/pi, 1/pi क्या है 1/3.14, और बाकी जब हम 0 पॉइंट से इस साइड मूव कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1/pi से भी कम है, इधर मूव कर रहे हैं तो ये भी 1/pi से कम है बेटा, ये भी 1/pi से कम है, तो 1/pi तो क्या है 1/2 से कम है क्योंकि ये 1/3.14 है, और बाकी वैल्यूज भी 1/pi से कम है, तो कहीं पे भी वैल्यू 1/2 के बराबर है क्या पीडीएफ फंक्शन की कौशे रैंडम वेरिएबल में, नहीं। तो कौशे रैंडम वेरिएबल के लिए मीडियन पॉइंट डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रैंडम वेरिएबल मिलेंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे 1/2 होती है, वही पॉइंट मीडियन हो जाएगा। लेकिन मोड हर रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइंड होगा, क्योंकि मोड क्या बता रहा है, पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू कहीं तो मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा जहां पे होगी। अब यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का केस ले लो, अब यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल में तो हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है, तो वहां मोड डिफाइंड एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे, किस पॉइंट को मोड मानोगे, जितने सारे पॉइंट हैं, जैसे अभी -π/2 to π/2 लिया था ना फाई रैंडम वेरिएबल को, तो -π/2 to π/2 के बीच में जितने पॉइंट हैं सबका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1/pi है, तो अब आप किसको मैक्सिमम कहोगे किसको मिनिमम कहोगे, आप मैक्सिमम और मिनिमम यहां डिफाइंड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि सारे पॉइंट सेम है। आप कहोगे भाई चलो वन जो सैंपल वैल्यू है या वन पॉइंट है उस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैक्सिमम है 1/pi, तो -1 वाला कहेगा मेरे पे भी तो वैल्यू 1/pi है तो मेरा वाला मैक्सिमम है, एक कहेगा नहीं भाई 0 पे भी तो वैल्यू 1/pi है तो मैं मैक्सिमम हूं, तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि मोड कौन सा पॉइंट है। तो जरूरी नहीं कि मोड और मीडियन हर रैंडम वेरिएबल के लिए वेल डिफाइंड पॉइंट आए ही, अगर
मोड क्या है, जिस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू पीडीएफ की मिले वो मैक्सिमम होनी चाहिए, वो एक इकलौता पॉइंट हो तभी वो हो पाएगा कि मोड कहोगे। कई सारे पॉइंट आ गए तो कैसे कह पाओगे कि कौन सा पॉइंट मोड है, तब बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो एक सिंगल पॉइंट पे, यहां पे देखो जीरो पे ही मैक्सिमम है तो यहां कह लोगे। जैसे आप गॉसियन रैंडम वेरिएबल प्लॉट करो, देखो अगर जिसका मीन जीरो है, यहां पे जो भी वैल्यू है वन अपान अंडर रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर होती है, तो ये देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये मैक्सिमम है। अगर एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल ले लो तो मीन, गॉसियन रैंडम वेरिएबल में हमें पता होता है मीन, जो मीन एक्स इज इक्वल टू म्यू पे, मीन पॉइंट पे पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। गॉसियन रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था, एट एक्स इज इक्वल टू म्यू द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज मैक्सिमम। तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल में जो मीन होता है वही क्या होता है, मोड भी होता है, क्योंकि हमेशा, और गॉसियन रैंडम वेरिएबल में एक सिंगल पॉइंट होता है म्यू जिस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो वही होता है मोड पॉइंट, वही होता है मीन। तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल में मीन और मोड सेम पॉइंट होते हैं, जो मीन होता है वही पॉइंट आपका मोड भी होता है। एक्स इज इक्वल टू म्यू ही आपका मोड है और म्यू ही आपका मीन ऑफ द गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, ये चीज है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर रैंडम वेरिएबल के मोड डिफाइंड ही हो, मोड वाला पॉइंट डिफाइंड ही हो, हर रैंडम वेरिएबल के लिए मीडियन वाला पॉइंट डिफाइंड ही हो, ये डिस्कशन दिमाग में बैठा लेना, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के लिए मोड नहीं डिफाइन कर पाओगे, मीडियन भी नहीं, मीडियन भी डिफाइन करना है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मीडियम बता रहा है वो पॉइंट जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, और यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल में तो हर जगह जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू होगी वो हर जगह सेम होगी। तो मान लो आपने 1/2 ले भी लिया, 1/2 ले भी लिया, -1 से 1, 1/2, तो यहां तो सारे जितने पॉइंट है -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सब पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, तो ये सारे पॉइंट या तो कहो मीडियन है, तो यहां तो सिंगल पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो आप एक वेल डिफाइंड सिंगल फंक्शन, जरूरी नहीं कि हर रैंडम वेरिएबल के केस में आपको मिले ही, हर रैंडम वेरिएबल के केस में आपको मिले ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इसी तरह से मोड एक सिंगल पॉइंट, वेल डिफाइंड पॉइंट हर रैंडम वेरिएबल में मिले ये जरूरी नहीं। जैसे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल केस है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के केस में मोड वाला पॉइंट डिफाइन नहीं कर पाओगे, मीडियन वाला पॉइंट, सिंगल पॉइंट डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये वाला पॉइंट मोड पॉइंट है, या ये 1/2 मोड पॉइंट है, -1/2 मोड पॉइंट है, 0 मोड पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट नहीं डिफाइन कर पाओगे जिसको कहोगे कि ये पॉइंट मोड है, एक सिंगल पॉइंट मीडियन डिफाइन नहीं कर पाओगे जिसको कहोगे कि ये मीडियन है ना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे वही सेम वैल्यू है ना, तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे एक वेल डिफाइंड पॉइंट। लेकिन बहुत सारे रैंडम वेरिएबल के लिए मोड और मीडियन डिफाइंड होंगे, बहुत सारे ऐसे भी रैंडम वेरिएबल हैं जैसे कांचे रैंडम वेरिएबल, जिसका मोड तो डिफाइंड है, मीडियन वाला पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। तो मोड और मीडियन समझ में आ गए। गॉसियन रैंडम वेरिएबल का जो मीन है वही मोड होता है, क्योंकि x इज इक्वल टू म्यू पे ही गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है अगर वो एक सिंगल पॉइंट है उसी को हम क्या कह देते हैं, मोड ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो लिख सकते हो नोट डाल के पॉइंट, इनकेस ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल तो ये क्या हो गया, जो जीरो पॉइंट है कांचे रैंडम वेरिएबल में, दैट इज नॉट द मीन ऑफ द कांचे रैंडम वेरिएबल, बट इट इज मोड ऑफ द कांचे रैंडम वेरिएबल, आप कह सकते हो यहाँ पे, है ना। तो लिख लो फॉर द गॉसियन, नोट पॉइंट डाल के, फॉर द गॉसियन रैंडम वेरिएबल द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू मीन या एक्स इज इक्वल टू म्यू इज, पॉइंट एक्स इज इक्वल टू म्यू या मीन इज द मोड ऑफ द गॉसियन रैंडम वेरिएबल, इज ऑलवेज द मोड ऑफ द गॉसियन रैंडम वेरिएबल। तो जो मीन है वही मोड है इन केस ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। ये आपके ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये पॉइंट जो मैंने लिखवाया, और अभी जो डिस्कशन किया वो अपने लैंग्वेज में लिख लेना। जरूरी नहीं कि हर रैंडम वेरिएबल के केस में मीडियन एक पॉइंट आपको मिले ही मिले, जरूरी नहीं कि हर रैंडम वेरिएबल के केस में मोड वाला पॉइंट आपको मिले ही मिले, ये जरूरी नहीं। जैसे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल में का ना तो आप मोड वाला पॉइंट डिफाइन कर पाओगे ना तो मीडियन वाला, तो ये जरूरी नहीं है। कांचे रैंडम वेरिएबल में मोड वाला पॉइंट डिफाइन कर पा रहे हो, मीडियन वाला नहीं कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1/2 हो। तो ये दिमाग में बैठा लेना, नहीं तो ढूंढते रहोगे सर क्या मानूंगा क्या नहीं मानूंगा। तो डिफिनेशन क्लियर रखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी सारे डिस्कशन क्लियर हो गए। कांचे रैंडम वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग भी समझ में आ जाए,
मैपिंग समझने के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाए मोड और मीडियन की डिफिनीशन, यहीं से मैं बता दूं क्योंकि यहां पे जरूरत पड़ी, और काचे रैंडम वेरिएबल के केस में मीन और वेरियंस अनडिफाइंड होता है ये भी बताना जरूरी था, और इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम का थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दे दिया। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक बार मैं और डिस्कशन करूंगा जब मैं गॉसियन जो आपकी थर्मल नॉइज होती है वो गॉसियन नॉइज क्यों होती है वो भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम का वहां डिस्कशन करना जरूरी रहेगा, क्योंकि वो गॉसियन सेंट्रल लिमिट थ्योरम गॉसियन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, गॉसियन के बारे में बहुत बात करती है ना, तो इसलिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम का थोड़ा सा वहां डिस्कशन और करेंगे। तो अब इस लेक्चर को मैं यहां क्लोज करता हूं। तो आप लेक्चर को अगर लर्निंग पर्पस के लिए लोगे तो मैं छोटे छोटे जितने पॉइंट बताता हूं ना बेटा, अगर अच्छे से आप समझ गए, मैं कोशिश भी करता हूं इसीलिए बहुत इलेबरेट करता हूं, तो आप बहुत सारी चीजें बहुत इजीली कर लोगे। छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने लेक्चर में इसलिए देने की कोशिश करता हूं हर प्रोस्पेक्टिव, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें हो, आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्यों कर दिए सर, ये ऐसा क्यों कर दिए। मैपिंग एकदम अंदर से झांक के देखो कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे, उस मैपिंग को देखेंगे कैसे, ये सारी चीजें बहुत समझ में आनी आपको जरूरी है, समझ में आनी आपको क्या है जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में मैं गेट के क्वेश्चन लाऊंगा। सिंगल रैंडम वेरिएबल मेरी तरफ से फिनिश हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी फिनिश हो गया, डिफरेंट टाइप के आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, ये वैल्यू निकालना, सब गॉसियन खत्म हो गया, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल खत्म हो गया, बहुत सारे। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल पे जो अब कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे होंगे गेट के, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा और एक दो फार्मूले मुझे और बताने वो बताऊंगा, देन वी विल मूव टू द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। दो रैंडम वेरिएबल, तीन, ज्यादातर दो रैंडम वेरिएबल के समय आते हैं, तीन रैंडम वेरिएबल भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ज्वाइंट वाला ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो कम टाइम लगेगा उसमें, लेकिन लॉजिक डेवलप कराना बहुत जरूरी होगा। और दो रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ और सीडीएफ पे भी मैं दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा, उसके थ्रू आपको लिमिट विमिट रखना सिखा दूंगा, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन सिंगल रैंडम वेरिएबल से ही 70-80% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डबल रैंडम वेरिएबल से आ सकता है। डबल रैंडम वेरिएबल से दूसरे फॉर्म में आता है प्रोबेबिलिटी निकालने वाला, और प्रोबेबिलिटी दो रैंडम वेरिएबल के केस में निकालना आपके लिए इजी तब हो जाएगा जब आप लिमिट रखना सीख लोगे, और मैं उसको बहुत सिंपलीफाई बनाने वाला हूं आने वाले लेक्चर्स में। तो आप अच्छे से देखते रहिए, एक एक चीज फॉलो करिए जो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं, आप बहुत कुछ सीखेंगे फिर ये सब्जेक्ट में, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप करके आ जाओगे इजीली, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।